अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जी तो आज हम यहाँ पे सुबह सुबह ही आ गए हैं, तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है। पहले हम आते हैं 10:30-11 बजे के टाइम पे। और जानवर वगैरह सारे मैंने अंदर से भी दरवाज़ा वगैरह खोल लिया, अंदर के सारे जानवर तो माशाल्लाह ठीक हैं। आज मैंने खोले ही नहीं, आज बिलाल भी नहीं जाना है मैच खेल। मेरा शायद 50-50 है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बिलाल भी जाएंगे ही जाएंगे। बाइट से भी मैंने सारे जानवर वगैरह खोल लिए हैं, फ्लैक्स वगैरह इन पर उठा के द्वार पर डाल दी, खोलेंगे आज किसी जानवर को नहीं। और मैंने आके देखा है कि ये जो है पेड़, इसकी फीमेल भी बैठी हुई है, इसे चल फिरने जा रहा। और वो जो है ये वाला पेड़ जो खुद ही लग गया था, इसकी भी फीमेल को पता नहीं क्या हो गया। अब पता नहीं इन्होंने एगलिंग करनी इसलिए बैठी हुई या वैसे इनसे चला फिरा नहीं जा रहा है। और बिलाल भी आए नहीं हुए थे, बिलाल भी आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, और बुलाया हमने अपने उस्ताद को, वो भी कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। तो वो आएंगे, उनको दिखाएंगे, देखते हैं फिर क्या करना है। जानवर आज खोलेंगे कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैच खेलने जाना है। बिलाल भी तो जा ही रहे हैं, बिलाल भी तैयार होकर किट शिट पहन के खड़े हैं। मेरा भी पक्का नहीं पता मैं जाता हूँ या नहीं जाता, तो इसलिए बाकी इसलिए जानवर हम आज कोई नहीं खोलेंगे। बाकी हम आपको दाना पानी डाल के उस्ताद आते हैं, उनसे दवाई वगैरह पूछ के इनको दे के, तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो गाइस मैंने और सुबह ने सारे जानवर को दाना डाल दिया। अब थोड़ी देर तक हमने चले जाना मैच खेलने के लिए। आपको मैं एक बार सारे जानवर दिखाया था माशाल्लाह। गाइस मेरे तो ख्याल से मुझे लगता है कबूतरों को लग गया नजर। आपको मैंने से एक बार दिखाया था, ये देखिए कबूतरों को लगता है लग गया नजर, मुर्गियों को दाना वगैरह डाल दिया। पता नहीं यार हमारे से ये क्यों मरी जा रहे हैं, हम चाहते तो नहीं है कि ये ना करे, मगर ये पता नहीं क्या होता है। हम दवाई देते हैं सही हो जाते हैं, सुबह फिर ये वैसे ही हो जाते हैं। अब मैं उस्ताद को अपने को बुलाया है, अभी तक आए तो नहीं है। मैं उनके फोन वगैरह करता हूँ, वो आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मसला है। ये कहते अभी उस्ताद तो हमारा नहीं आया, मगर आपको मैं बात पता चलूँ, जैसे कि हमने कल आपसे वादा किया था कि जो हमारा कोकलेट का पेयर है ना, उसके लिए हमने बॉक्स लाना है जिसमें वो ब्रीडिंग कर सकें, और जो हमारा ऊपर मुर्गों का पेयर है उसके लिए हमें छाबा लाना है ताकि हम उसे अंदर बंद कर सकें। तो रात को मैसेज आया 11 बजे के गाइस मैच है, उसका सारे गाइस रेडी रहना है। सारों ने ओके कह दिया, मैंने भी ओके कह दिया, मेरे जहन में ये बात रही नहीं। अगर मैं कोई बता चलूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको सुबह भी, एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारों ने जाकर चैनल को लाइक करना है, उसके वीडियो को एक को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह उसके चैनल को अच्छी सपोर्ट दिखानी, और मेरे चैनल को अच्छी सपोर्ट दिखाने की मुझे ना भूलिएगा। वो भी ये चैनल भी हम दोनों का है, वो चैनल भी हम दोनों का ही है। तो अभी उस्ताद आता है तो फिर मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, और मिलवाता भी हूँ सारा, दिखाता भी हूँ क्या क्या मसला बना है। कोई बीमारी वगैरह, कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, कोई वैक्सीन वगैरह लेके जानी हो पानी में मिला के हम डाल दिया करेंगे। उस्ताद आता मैं आपके मिलता ठीक है गाइस। तो मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ, बिलाल भाई भी ग्राउंड में आ चुके हैं, ये खड़े हैं बिलाल भाई, आप देख सकते हैं। ये रहे बिलाल भाई, और वो पीछे हमारा सारा मैच वगैरह हो रहा है, देख सकते हैं आप। और जो दो कबूतर थे आपको जो सुबह बताया था कि वो ठीक नहीं है, एक हो गया चोला, वो तो स्टेबल रहेगा पर सही नहीं हो सकता। जो एक या वो इसको वीकनेस की वजह से वैसे हो गया, तो वो इंशाल्लाह उसको दवाइयाँ वगैरह देंगे और कोशिश करेंगे 3-4 दिन में इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाए। बाकी अब मैच वगैरह चल रहा है, यहाँ से फ्री हो गए, शाम को आपकी मुलाकात होगी सेटअप पे ही। जी गाइस तो बैटिंग तो हमारी साइड की कंप्लीट हो गई है, ब्रेक टाइम था तो बाहर निकला है, मैं हूँ फिलहाल में, ये तो हमारी टीम के कप्तान का बेटा ये बैठा हुआ है, और हमारी बाकी खाना वगैरह मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गांव वगैरह की जगह पे आए हुए हैं हम मैच खेलने, तो अब शहर जा रहे हैं वापस कुछ खाने पीने के लिए, खुद भी खा गए हैं कि, और कप्तान वगैरह अपनी टीम के लिए लेके भी जा रहे हैं, और हमारी कोशिश शाम को इंशाल्लाह घर वापस जाके मेडिसिन वगैरह लेके सेटअप पर जाएंगे। कोशिश यही है 2-4 दिन में हमारे सारे जानवर रिकवर हो जाएंगे, बाकी इंशाल्लाह शाम को आप सेटअप में मुलाकात होती है आपसे। गाइस तो मैं सेटअप पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं रात काफ़ी ज़्यादा हो गया, बिलाल भी नहीं आ पाए, वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ थे। तो मैं गया था मेडिकल स्टोर पे, ये दवाइयाँ वगैरह लेके आया हूँ मैं, उस्ताद ने कहा था ये दवाइयाँ वगैरह दो ही इंशाल्लाह 2-3 दिन में रिकवर हो जाएंगे, पर मैंने आके देखा तो एक कबूतर तो हमारा मर ही गया, ये देख सकते हैं आप, दूसरे वाला वैसे का वैसा ही है। तो ये इसको दवाई देंगे तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा। ये लिया भी मैंने और बिलाल भी ने, छोटा सा था तब हम इसको दाना पानी भी हाथ से खिलाते थे, हमने सोचा था हैंड टेम करेंगे, पर बाद में जब ये खुद खाने पीने लग गया तो फिर हमने इसे खुद ही खाने दिया, हैंड टेम नहीं किया। हमने कहा बाद में टाइम नहीं दे पाएंगे हम इसे, तो फिर इसके लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि जो जानवर हैंड टेम हो जाए बाद में फिर इसके लिए मुश्किल होती है ऐसे रहना। और बाकी सारे जानवरों को मैं कवर वगैरह करके, जिनको मेडिसिन देनी मेडिसिन दे के, फिर मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है, सारे जानवर ठीक हैं या कोई मसला है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ अंदर जाके। जी गाइस तो अंदर भी सारे जानवर वगैरह माशाल्लाह ठीक हैं, और ये रेड टेल हम अंदर ही रख देते हैं, रात के टाइम बाहर नहीं रखते,
इनको अंदर ही पड़े रहने देते हैं। और जो हमारा मुर्गा था उसे हमने दवाई वगैरह दे के, चने वगैरह दे के बाहर छोड़ा हुआ है। अब ये इसको हम यहाँ पे रखेंगे आधा घंटा एक घंटा, ये फिरेगा, उसके बाद इसको मंदिर बंद कर देंगे। इंशाल्लाह हमने ये रूटीन बना ली है कि इसको रात के टाइम एक घंटे दो घंटे बाहर फिरते रहने देंगे। सारा दिन बंद रहता है तो रात के टाइम थोड़ी देर इसकी घूम फिर के रिफ्रेशमेंट होगी। और बिलाल भी आ चुके हैं यहाँ पे, और अब इसी के साथ हम अपने लोग को एंड करेंगे। जी बिलाल भी, वही अंडा भी काफी देर का पड़ा हुआ, पता नहीं था ये कल का अंडा मुर्गी ने दिया हुआ है और यहाँ पे पड़ा हुआ है। मुर्गी मारी पता नहीं कोई कुड़ों के नहीं हो रही, दो मुर्गियां दोनों कुड़ों के नहीं हो रही हैं। और दुआ करते हैं जल्दी कुड़ों को, कल बाजार भी जरूर जाएंगे, जरूर बाजार जाएंगे। मैच का बताया आज? हाँ जी मैच का भी बताया, आज हम मैच भी जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह बाजार भी जाएंगे, आपको जैसा के वादा किया बॉक्स लाएंगे, साथ में एक छाबा लाना है मुर्गियों के लिए, और भी जो पसंद आ गया वो बर्तन वगैरह चाहिए थोड़े से वो भी ले जाएंगे। लास्ट चीज है, दोबारा नहीं जाना। हाँ और बाजार हम लास्ट टाइम जा रहे हैं, इसके बाद बाजार जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने दो तीन महीने बाद इंशाल्लाह बाजार जाना है, मगर हमें थोड़ी सी जरूरत थी इसलिए हम सारी चीजें आज ही ले आएंगे। एक कॉकलेट के लिए हमने बॉक्स लेना, इसमें वो ब्रीड करें, एक हमने मुर्गे के लिए छापा लेना ताकि वो अंदर आराम से रहे, अंदर हीट भी काफी ज्यादा होती है इसलिए। और गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लोग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं, चला कर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।